हाय गाइस, तो ये है आज का मेरा लुक और आज हम जाने वाले हैं समामा शॉपिंग सेंटर, पाकिस्तान का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा शॉपिंग सेंटर। सो लेट्स फाइनली गाइस, अब हम लोग हो चुके हैं तैयार और अब हम जाने वाले हैं समामा शॉपिंग सेंटर। सो लेट्स गो एंड स्टार्टेड और देखते हैं वहाँ पे अब क्या हाल है। ईद हो या बकरा ईद हो, वहाँ पे रश ही रश होता है, लेकिन इस बार हम देखने वाले कि 14 अगस्त में भी लोग इस तरीके से रश करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं समामा, यहाँ पे वैसी ही का वैसी रश है। और ये देखें यहाँ पे मेरी बहन, अब हम लोग जाने वाले हैं अंदर और देखते हैं। ये देखें यहाँ पे कि मुझे मोड़ मोड़ के बाहर ही घुमाया जा रहा है, अंदर लेके ही नहीं जा रही मेरी मम्मा। यार बोल भी नहीं सकती कुछ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जंपिंग हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था, यहाँ पे फूड कॉर्नर हुआ करता था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही खाली सुनसान बना दिया। ये देखें यहाँ पे आपको 700 सब तरीके की क्वालिटी के देखें। अब हम जाने वाले हैं ऊपर और हम वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या मिले। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये, फिर समामा वालों ने इनको डेकोरेट किया है बिल्कुल ही, हर बलून वलून लगा कर। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारी और भी कुर्तियाँ थी लेकिन हमें वो दो पसंद आई। क्या चाहिए? यहाँ बहुत सारे आर्गुमेंट के बाद आखिरकार अंकल ने हम लोगों को ये कुर्ती पे सस्ता करके हमको दिया। लाइबा तुम सही है हमारे लिए। हाँ, जामेबाजी क्यों कर रही है लोग? बहुत प्यारी चीज़ है, ये वाली पसंद की है। अब इसको और ज़्यादा दिखाया जा रहा है और इसको पसंद नहीं आ रही है। इतनी मेहनत से अंकल माने थे कि बजट उसको जानेबाजी हो रही है, दिखा रहे हैं ये लड़की सोच रही है आलू कौन सी वाली। ये देखें उसको वाइट ही पसंद आया, उसको वाइट ही चाहिए। देश कुछ भी गलत है ना, ये वाली लोग ऐसे होगी। अब इस पर इतने ज़्यादा आर्गूमेंट के बाद मैंने एक ग्रीन वाला लिया और लाइका ने लिया है वो वाइट वाला। इतना ज़्यादा ये करती है ड्रामेबाजी गाइस, आप लोगों को मैं क्या बताऊँ। ये देखे 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 कैसी नज़रों से मुझे देख रही है, इतनी मेहनत से कुर्ती पसंद आई थी, दोनों सेम पहन लेते लेकिन नहीं, इसको तो वही चाहिए। ये तो तुम डालना नहीं, ये तो तुम क्या। बहुत सारी और भी कुर्तियाँ थी लेकिन हमें वो दो पसंद आई थी। क्या चाहिए? आई सीढ़ी मेरी बहन, इतनी ज़्यादा आर्गुमेंट के बाद मैंने उसको इतना बोला कि प्लीज़ हम दोनों सेम पहन लेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही। इसका यही मकसद है कि इसको अलग पहनना है, वो भी वाइट कलर का पहनना है। मैंने बोला चलो ठीक है तुम ले लो वाइट कलर का, ग्रीन ले लो। और भी बहुत सारी कुर्तियाँ लेकिन हम लोगों को पसंद आई है सिर्फ वो दो कुर्तियाँ। ये देखिए बोली जा रही है कि बस कर दो, लोगों को देती है हाथ भी ना, मतलब हंसत के मुझे जा रहे हो। मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही है गाइस, हमने सिस्टर लोग घेर वाला चौकर काम करे, नमाज पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये अंकल कह रहे हैं इनके पास पुलिस लाइट बड़े आते हैं गाइस, चलें शॉपिंग कर ली हमने। गाइस फाइनली 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 मैं आ गई हूँ पीछे और ये देखिए यहाँ पे मेरे साथ मेरी बहन मौजूद है। तो ये देखें अब ये है पूरा डेस्क फ्लोर यहाँ से और हमने ली है अभी से दो कुर्तियाँ, अभी और भी चीज़ें लेनी है। तो लाइट मैंने चाहिए कर देखते हैं और क्या लेते हैं। तो मैं यहाँ पिता ही गाई लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और अब हम जा रहे हैं थोड़े बैच बैच की तरफ। वैसे वो सब हम लोगों ने खरीद चुके हैं लेकिन अभी अगर कुछ और अच्छा मिल जाता तो हम वो ले लेंगे। तो बहुत ज़्यादा घूमने के बाद भी हम लोगों को बैच वाला एरिया नहीं मिला जहाँ पे हमें बैच बैच मिले। तो मेरी मम्मा, अब हम फाइनली घर जाने वाले हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बैच वैच नहीं मिला। अब हम लोग रास्ते वास्ते में चेक करेंगे, अगर हमें कुछ बैच वैच मिल जाते तो हम वहीं से ले लेंगे, बाकी तो हम लोगों ने अपने कपड़े परचेज़ कर ही लिए। इस बार बिल्कुल भी लोगों के अंदर कोई जोश वोश नहीं है 14 अगस्त के लिए क्योंकि पिछले साल यहाँ पे पूरा रश ही रश भर चुका था, जाने तक के रास्ता नहीं हुआ करता था और आज बिल्कुल ही सुनसान हुआ है, बहुत कम लोग आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनली एक चीज़ मिली है, आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम की शॉप मिल गई है यहाँ पर। और 14 अगस्त के कुछ सामान मिले, जब रश कम होगा तो हम वहाँ पर जाके देखेंगे क्या पता हमें कुछ मिल जाए। मुझे झंडी लेनी है। कितने की बेटा ये? वो झंडियाँ लेगा। तो हम लोगों ने फैसला किया एक कप लेंगे और हम लोग लेंगे 3 कोन। सो लेट्स गो स्टार्टेड। अभी तो तुमने कौन बोला था, बात से बदलती रहती हो। मैम क्या लोगे, कप लोगे या कौन लोगे? कप लेंगी।
आप ये लेंगी ये अंकल शो पे बात से लगे हुए हैं और अभी तक हम लोगों को दे ही नहीं रहा। अभी इन्होंने निकालना सीख लिया है गाइस। चौदह अगस्त के लिहाज से ग्रीन एंड वाइट कलर की आइसक्रीम आपको मिलेगी यहाँ पे गाइस। अब आ रही है ना फीलिंग थोड़ी सी 14 अगस्त वाली। भाई मेरा हम लेने वाले हैं यहाँ पे फोन। सबसे पहले मैं चॉइस करूँगी अपना ये वाला। मेरे इस आइसक्रीम पे हमला करके इसने अपने पूरे फिंगर लगा दिया। मैं इसको खाऊंगी। ले लो जॉन्स। नहीं बाहर में जॉन्स में ज्यादा है। ये है मेरा आउटफिट और मैंने यही परचेज किया है क्योंकि मुझे पता ही क्या लग रहा था कि अगर हम एक बार 14 अगस्त में कुछ परचेज कर लेते हैं ना तो फिर अगर हमें अगली बार से पहनना होता है तो हम नहीं पहन पाते और वो साल भर में छोटा हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसा आउटफिट लूँ जो मैं आम दिनों में भी फेस को पहन सकूँ। ये मेरी मम्मा की पसंद है नॉट माई बिकॉज आई लव माई मम्मा। कैसा लग रहा है फुरकान? फुरकान गाइस बहुत बदतमीज़ है ये। अपने गंदे आइसक्रीम खाकर अभी तक इसके घर के अंदर मैं दाखिल हुई हूँ और मैंने एक कैमरा खोला है और इसने हाथ भी नहीं धोया और ये मेरे